हलाल रिज़्क के लिए और अच्छे काम के लिए जो मैं रहना पड़े, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बिजनेस है, एक कारोबार है। ये काम मैंने इसलिए नहीं शुरू किया कि मैंने बस बैंक से निकले और ये काम शुरू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान खुशबू अफ़ज़ाल और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि ब्रेकिंग व्यूज़ हमेशा से हकायक ही आपको दिखाता है और आज के प्रोग्राम में भी हम कुछ ऐसे हकायक से पर्दा उठाएंगे जिसको देख के आप भी हैरान और परेशान हो जाएंगे कि हमारा सोशल मीडिया जो है वो कैसी कैसी खबरें जो है वो फैला देता है। जी हाँ जनाब, मैं बात कर रही हूँ असद रऊफ जो कि ICC एम्पायर रहे इंटरनेशनल लेवल पर, और हमारा सोशल मीडिया ये दिखा रहा है कि जैसे पता नहीं वो लुट गए, मर गए, गुर्बत आ गई, झोंपड़ी में रहना शुरू हो गया है। तो जनाब, मैं आपको बताती चलूं कि मैं DHA के इलाके में मौजूद हूं और ये उनका घर है और जाती घर है उनका, और वो किस तरह की लाइफ स्पेंड कर रहे हैं आइए उनसे मैं आपको मिलवाती हूं। और मैं आपको साथ से ये भी बताती चलूं कि उनके बच्चे जो है वो बाहर के ममालिक से पढ़ के पाकिस्तान में सेटल भी हो गए हैं, तो वो हंसी खुशी ज़िंदगी जो है वो स्पेंड कर रहे हैं। और मज़ीद क्या तफसीलात है आइए उनसे जानते हैं और हकायक से पर्दा उठाते हैं। तो जी जनाब, हम उनके घर के अंदर एंटर हो चुके हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये पॉश इलाका है DHA का और इंतहाई खूबसूरत घर है और खुशी मसरत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कहाँ से रास्ता भूल गई हैं आप? चल बस देख ले, हम आपकी आदमी यहाँ पे आ गए। अच्छा सर, ये बताएँ कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही हैं, जैसे आप झोंपड़ी में रह रहे हैं, गुर्बत आ गई है, बहुत ही हालात जो है वो ख़राब हो गए हैं, तो आज हमारे प्लेटफॉर्म के तवस्सुल से हम हकायक दिखाना चाह रहे हैं और इस हवाले से पर्दे हटाना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो इसको झोंपड़ी समझता हूँ, मैं तो इसको ना, मैं महलों में रहने का आदी हूँ, तो मैं तो इसको, मुझे तो अपनी लाइफ में अगर हलाल रिज़्क के लिए और अच्छे काम के लिए झोंपड़ी में रहना पड़े तो मैं भी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा खुशबू, आप खड़ी रहेंगी या आप स्टाफ के साथ अंदर भी आएंगे? अंदर बैठ के बात करें ज़्यादा बेहतर नहीं है? आइए सर, क्या कहेंगे जो सोशल मीडिया पर इस वक्त खबरें जो हैं इस डायरेक्शन में स्प्रेड हो रही हैं कि अल्लाह माफ़ करे आप झोंपड़ी में रहना शुरू हो गए हैं, गुर्बत आ गई है, हालात बहुत ख़राब हैं, लंडा बाजार में काम करना शुरू कर दिए है, क्या कहेंगे आप? बस अब तो मीडिया पे काफ़ी चैनल्स पे ये क्लियर उन्होंने कर दिया और बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ बना के दे दी है, मगर फिर भी आपके ज़रिए मैं लोगों को बता दूं कि ये एक बिज़नेस है, एक कारोबार है और ये अपने आप को मसरूफ़ रखने का बहाना भी है। बिल्कुल, और मसरूफ़ रखना चाहिए। तो कारोबार चाहे आप यूज्ड क्लोथिंग का या लंडे का कर रहे हैं या गोल्ड का कर रहे हैं, तो कारोबार ही है। बिजनेस इज बिजनेस। अच्छा सर, ये बताते चलें कि अभी आपसे इंटरव्यू से पहले मेरी बात हुई तो आपने मुझे कहा कि आपने पहले एज अ क्रिकेटर करियर का आगाज़ किया, फिर आप PCB के एम्पायर रहे, फिर ICC के एम्पायर रहे और साथ ही साथ आपने अपना ये जो बिज़नेस है ये भी आपने शुरू कर दिया था। अब तासर कुछ उस तरह से मीडिया पर पाया जा रहा है कि जनाब आपने जैसे ही एम्पायरशिप छोड़ी हालात ख़राब हो गए और आप लंडा बाज़ार में किसी रेड़ी में बैठ कर ये सामान जो बेचना शुरू हो गए, तो ये क्लियर कर दें कब से ये बिज़नेस कर रहे हैं आप? ये बिज़नेस मैंने शुरू किया था 97 में। अच्छा, जब मैं नेशनल बैंक में Grade 3 ऑफिसर था। जबरदस्त। और नेशनल बैंक के लिए मैंने 15 साल प्रोफेशनल क्रिकेट भी खेली और मेरा क्रिकेट का करियर भी 17 साल का है। इस दौरान मैंने 10 साल इंग्लैंड में लीग क्रिकेट भी खेली है और जैसे ही मेरे क्रिकेटिंग डेज ख़त्म हुए 97 में, मैंने सोचा कि अब मैं बैंक को छोड़ दूँ, क्योंकि बैंकिंग तो मुझे आती नहीं थी। क्रिकेट हम खेलते थे, 15 साल बहुत अच्छे गुजरे नेशनल बैंक में। और 97 में गोल्डन हैंडशेक स्कीम आई तो मैंने गोल्डन हैंडशेक लिया और उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया था और ये 97 से और स्टिल मैं इसको जारी रखे हुए हूँ कि इसलिए कि इस काम ने मुझे मेरी लाइफ में स्टैंड किया था। ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये बताते कि ये जो आपका काम है, माशाल्लाह बिजनेस है आपका, जो न्यू कमर्स इसमें आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे, कितना पैसा है, कितना स्कोप है और किस तरह से पैसा कमाया जाएगा, ज़रा इस बिज़नेस के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन
देखिए, हर बिजनेस के अप्स एंड डाउन जो होते हैं और उसके टैक्टिक्स होते हैं, उसका नॉलेज होता है, आपको वो काम करना चाहिए जिसका एक नॉलेज था। ये काम मैंने इसलिए नहीं शुरू किया कि मैंने बस बैंक से निकले और ये काम शुरू किया। मुझे, मैंने इसके नॉलेज के लिए 10 साल यूके में बड़ी स्टडी की, ये काम कहाँ से शुरू हुआ, ये कैसे, और फिर पाकिस्तान में जैसे मैंने इसको पेश किया था और क्रिएट किया था ना, मैंने ये कपड़ों की रीप्रोसेसिंग, इनकी तैयारी, और जैसे कहते हैं ना कि दुल्हन को जब तक सजाया ना जाए वो दुल्हन नहीं लगती, तो मैंने इसके लिए अपने वेयर हाउस में प्रॉपर प्लांट लगाया जहाँ पे वॉशिंग, क्लीनिंग, प्रेसिंग और इनकी डाइंग वगैरह भी होती है। तो मैंने इसको ज़रा डिफरेंट तरीके से पेश किया, इंटरनेशनल स्कोप के थ्रू आपने पहले इसको समझा, फिर इसको पाकिस्तान में आपने बहुत बड़े पैमाने पे करना शुरू किया। पाकिस्तान में तो काम भी वही करना चाहिए जिसका आपको नॉलेज हो। तो मैं इस हवाले से लोगों को यही कहूंगा कि आप वो काम करें जिसका आपको एक्सपीरियंस है, नॉलेज हो। बिल्कुल।